अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपने गूगल ड्राइव से अपनी फाइल्स शेयर कैसे करनी है और उसकी प्राइवेसी की सेटिंग आपने कैसे करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी जीमेल ओपन करनी है। जीमेल से आपने अपने गूगल ड्राइव में जाना है। गूगल ड्राइव में जाने के बाद जो भी फाइल आपने शेयर करनी है, लेट सपोज कि ये एक फाइल है, ये आपने शेयर करनी है, अगर वो आपके सिस्टम में पड़ी है तो सबसे पहले आपने यहाँ से जाके उस फाइल को अपलोड कर लेना है। यहाँ पे जैसी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, आपने उस फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है। अभी आप देख रहे हैं कि लिंक शेयरिंग इज ऑफ है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपके पास एक ये लिंक आ जाएगा, आपने ये कॉपी करके फॉरवर्ड कर देना है। जिसके पास भी ये लिंक होगा वो आपकी ये फाइल असेस कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। जैसा कि ये देखें, अभी आप देख रहे हैं कि ये फाइल असेस हो गई है मुझे। लेकिन अगर आप इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास शेयरिंग सेटिंग की ऑप्शन है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं उसने लिखा हुआ है, एनी वन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर विद दिस लिंक कैन व्यू। इसका मतलब यह है कि जिस भी स्टूडेंट के पास या फैकल्टी मेंबर के पास या किसी के पास भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जीमेल अकाउंट होगा वो इस लिंक को असेस कर सकता है, उसके अलावा कोई और बंदा नहीं कर सकता। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ से आपके पास तीन ऑप्शन हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, फिर है एनी वन विद द लिंक। अगर आप इस पे कर देते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अलावा भी कोई भी बंदा जिसके पास ये लिंक है वो अपने जीमेल से इस फाइल को असेस कर सकता है। इसके बाद एक ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन की, रिस्ट्रिक्टेड की। रिस्ट्रिक्टेड से क्या होगा, अब ये लिंक जो है, अगर आप देखें, इसको डन करता हूँ मैं। अब अगर मैं ये लिंक असेस करना चाहूँ, वो कहेगा कि आपको परमिशन रिक्वायर्ड है ये फाइल असेस करने के लिए। उसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास कि यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं उन लोगों को, उनको आप चाहते हैं कि ये फाइल वो लोग असेस कर सकें। बाकी तमाम लोगों के पास अगर लिंक भी है वो फाइल ये ओपन नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने जस्ट इन लोगों को ऐड किया है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा।